उसको आपने पीडब्ल्यूडी को दे दिया, पीडब्ल्यूडी ने हमको ऐसा कोई उसकी रकम देने का कोई प्रावधान नहीं था, नहीं है उसकी साइंटिफिक अभी व्यवस्था हो पाई है। तो हर चीज़ को हम मॉनिटरी वैल्यू में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जो वेस्ट हम प्रोसेस करने के बाद, हाफ प्रोसेस करने के बाद, इसकी थोड़ी सी प्रोसेस में समझाना भी अवश्य चाहूँगा। घर से हम कूड़ा उठाते हैं, ट्रक पे ट्रैक्टर पे ले जा करके MRF सेंटर पे ले आते हैं। MRF सेंटर में गीला और सॉलिड दोनों को अलग किया जाता है। सॉलिड को हम फिर से अलग करते हैं, जो आपने बताया हैजार्डस नॉन हैजार्डस, उसके लिए हमारे मैनुअल और मैकेनिकल दोनों ही प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होता है, एयर प्रेशर से भी हम उसको कई बार प्लास्टिक को अन्य चीज़ों को अलग करते हैं। जो प्लास्टिक और रीयूजेबल जो मटेरियल बनता है, मैं अब उस पर आ रहा हूँ, तो प्लास्टिक का जो रीयूजेबल मटेरियल जो बनता है, उसके दो तरह से हम लोग, उसका तीन तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। एक तो कुछ वेंडर्स हैं जो अपने उसी से कुछ सामान बना करके बेचने का काम करते हैं, उससे थोड़ी बहुत इनकम होती है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हम उसको रोड में, उसको श्रेड करके, उसको रोड में या कैसे भी करके, जो दो रोडों का हमने उदाहरण दिया, एक उसका मंत्री जी। तीसरा, जिसकी मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, पैसे की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तीसरा मैं आ रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम माननीय अधिष्ठाता महोदय और सभी माननीय सदस्यगण के ध्यान में भी लाना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा काम हुआ है वेस्ट टू वेंडर पार्क बनाने का। अभी आप लखनऊ में ही हमारा जो वेस्ट यूपी दर्शन का जो पार्क बना है, माननीय अधिष्ठाता मंत्री जी, आपने कलेक्शन डिस्पोजल बता दिया, रेवेन्यू की स्थिति बता के पूरा हो रहा है। पांच एकड़ में इस तरह का सॉलिड वेस्ट को रीयूज करके, रीप्रोसेस करके, उसको प्रोसेस करके 5 एकड़ में एक पार्क बनाने का काम हुआ है। जो आप लोग जरूर उस पार्क को देखने जाइए जी। माननीय मंत्री, मैं चाहूंगा कि आप सब उसको देखने जाए और उसमें ताजमहल से लेकर के माननीय महबूब जी को भी लेकर के जाइए, ताजमहल दिखाइए, हमारा बांके बिहारी मंदिर बना है, विश्वनाथ मंदिर। माननीय मंत्री जी, मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा। माननीय मंत्री जी, आपके दो आपने दोनों उत्तर दे दिए हैं, उसी के साथ बस अंतिम उत्तर दे के फिर एक और चीज बताऊ। मैडम, वेस्ट टू वेंडर का एक और प्रयोग हुआ है, हैप्पीनेस पार्क का हुआ है, और इसी तरह से नगर के अनेक जगह हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है, मेरठ में हुआ है, मिर्जापुर में हुआ है, सब जगहों पर हुआ है। माननीय मंत्री जी, ये कहना, माननीय मंत्री जी, हुआ है उसी से हम इसकी सफलता माने। आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए उसमें मुना जी, एक तो माननीय मंत्री जी ने कलेक्शन डिस्पोजल दोनों आपको स्पष्ट बताया, डिस्पोजल कलेक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया, और रेवेन्यू के लिए उन्होंने बताया कि अलग अलग उतनी गणना नहीं हो सकती। अगला में प्रश्न है माननीय श्री अभय सिंह जी। अभय जी नहीं है, माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी। महोदय संग्राम जी, एक मिनट अगर आप, मैं आपका एक मिनट बैठे, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट। देखिए, सदन में कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मुझसे अनेक अन्य बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए, वरिष्ठ नेतागण हैं, अनुभवी हैं। प्रश्नकाल आपके पक्ष का एक विषय है, आप ही के सभी माननीय सदस्यों ने प्रश्न खड़े करने, अगर आपका आत्मानुशासन नहीं होगा तो होना यह है कि जो 12-15 प्रश्न आ सकते हैं वो 2-3 में रुक जाएंगे, इतना मेरा अनुरोध था। डॉक्टर संग्राम जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आप आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें